Hey, what's up guys? This is me, Lovjeet Arora. Welcome to the Tech Queen channel. तो चलिए आज की क्लास में आपको थंबनेल देख करके पता चल गया होगा कि हम लोग करने वाले हैं व्हाट इज वेरिएबल. तो इस सवाल का जवाब आपको इस लेक्चर में मिल जाएगा. तो अब ये हम लोगों की चल रही है क्लास 11th की पूरी पाइथन सीरीज़ IPCS दोनों के लिए है. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर. वेरिएबल, तो बच्चा इस नाम से आपको क्या चीज़ है जो समझ में आ रही है, यानी कि जो बदल सकता है. वेरिएबल जो चेंज होने लायक है ना, अपने आप में जो चेंज कर सकता है. तो बिल्कुल हम लोग इसी टर्म को यहाँ पर पकड़ेंगे और वेरिएबल को यहाँ पर समझेंगे. यूजुअली अगर मैं वेरिएबल को अगर आपको बताऊँ, अगर मैं इस एग्ज़ाम्पल के लिए आपको एग्ज़ाम्पल लें कि भाई आप स्कूल जाते हो, आप स्कूल में आपको बुक्स की ज़रूरत है जो पढ़ती है, तो आप क्या करते हो. एक दो बुक्स है तो चलिए हम हाथ में पकड़ के ले जाएंगे, लेकिन बहुत सारी बुक हैं, हाँ 10-15 बुक्स हैं या 20-25 बुक्स हैं, कॉपी किताबें ये सारी चीज़ें होती हैं. तो अब उसको कैसे हाथ में तो पकड़ के लेके नहीं जाएंगे. अब उसके लिए हमारे पास में क्या होता है, स्कूल बैग है ना. तो जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंटेनर बोलेंगे. उस बैग के अंदर हम लोग अपनी सारी जो कॉपी किताबें हैं जो भी रखते हैं और फिर हम स्कूल में जाते हैं. तो मैं आपको ये एग्ज़ाम्पल क्यों दे रही हूँ, मैं आपको एग्ज़ाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि यहाँ पर कुछ आपको चीज़ें स्टोर करनी थी, डेटा स्टोर करना था, जिसके लिए आपने किसका यूज़ किया, बैग का यूज़ किया. तो बिल्कुल हम लोग यहाँ पर अपने प्रोग्राम्स के अंदर कुछ वैल्यूज़ के साथ में खेलते हैं, यानी कि मुझे दो नंबर को जोड़ना है, मुझे यहाँ पर 5 और 10 को जोड़ना है. तो अब मैं क्या करूँगी, इन वैल्यूज़ को स्टोर कहीं ना कहीं करूँगी. तो अब मुझे एक डब्बे की, एक कंटेनर की ज़रूरत पड़ेगी और वही हमारा क्या होगा, यहाँ पर वेरिएबल होगा. हमारा वेरिएबल क्या करेगा, अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ यहाँ पर कि मैंने लिखा डेटा इज इक्वल्स टू 50 यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, डेटा मेरे कंटेनर का नाम हो गया. उस कंटेनर के अंदर, डब्बे के अंदर आपने एक वैल्यू रखी, क्या रखी, 50. अब ये वेरिएबल जो अपने आप में चेंज कर सकता है, यानी कि ये फ्यूचर में चेंज भी हो सकता है. तो डेटा के अंदर अगर अपने 50 रखा है तो फ्यूचर में आप 500, 5000 भी वैल्यू है जो कर सकते हो, तो ये टाइम आने पर चेंज भी हो जाएगा. ठीक है, अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि भाई एक बॉक्स कह लीजिए वेरिएबल को, है ना, एक प्लेस होल्डर है जिसने क्या किया, कुछ वैल्यूज़ को अपने अंदर स्टोर करके रखा, है ना. अब वो जो वैल्यूज़ उसने स्टोर करके रखी, जहाँ पर भी मेमोरी में उसने वो प्लेस अपना रिजर्व कर लिया, कि आपने यहाँ पर लिखा ए में 5, तो ए में 5 अब ये रिजर्व हो गया वहाँ पर, कि उस डब्बे के अंदर है 5 और उसका नाम है ए. ठीक है, तो इस तरीके से अब मैं ए बी सी डी ले रही हूँ, आप कुछ भी नाम है जो यहाँ पर ले सकते हो, एक्स वाई जेड, ये रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम की. जैसे अब मैंने एक्स ले लिया यहाँ पर, है ना, इस कंटेनर के अंदर, इस बॉक्स के अंदर अब हमने 10 को डाल दिया. फ्यूचर में मैं इस 10 को 100 भी बना सकती हूँ, 20, 50, जो भी आपका मन करे. अब यहाँ पर अगर हम आगे जाएंगे तो वेरिएबल्स के सेंसिटिव होते हैं, ये तो हमें चीज़ पता है. मैं आपको इंडेंटेशन आइडेंटिफायर के रूल्स है जो आपको पढ़ाऊँगी. खैर आपको इतना पता होना चाहिए कि भाई पाइथन जो हमारी है वो एक केस सेंसिटिव है. तो इसके अंदर अगर मैंने लिखा ए में 10 और फ्यूचर में मैं ऐसा कर रही हूँ कि भाई इसको प्रिंट करा रही हूँ, तो अब ये इस केस में मुझे एरर देने वाला है, क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है, उसके लिए छोटा ए और बड़ा ए दोनों डिफरेंट रोल प्ले कर रहे हैं. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, छोटा ए ही है अगर देंगे, अगर मुझे इसमें प्रिंट कराना है, सो आई जस्ट हैव टू यूज़ द सेम नेम, चाहे वो कैपिटल हो या मेरे पास में स्मॉल. अब ये मुझे आंसर है जो भी देना होगा इसने देना. अब पाइथन हमारी डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज भी बोली जाती है. अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें हमें कोई सी वगैरह की तरह इंटीजर ए इज इक्वल्स टू 10, फ्लोट ए एस इज इक्वल्स टू 90 पॉइंट, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता. अब पाइथन वाले बच्चे तो बिल्कुल नए हैं, उनको तो पता ही नहीं, आपने तो कोई लैंग्वेज शायद ही पढ़ी होगी इससे पहले. बट जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता दूँ, जैसे जावा हो गई, C++ हो गई, सी हो गई, इनके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, उन डेटा का टाइप भी बताना पड़ता है. ठीक है, कि जिस तरीके का डेटा हम लोग इस कंटेनर ए के अंदर रखने वाले हैं, हम कह रहे हैं कि भाई इंटीजर, हम कह रहे हैं कि भाई फ्लोट टाइप का डेटा आएगा. अब पाइथन हमारी इन सारी चीज़ों के को यूज़ नहीं करती, वो कहती मैं डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज हूँ. अब मैं जो जब आपने इसके अंदर ए इज इक्वल्स टू 10 लिखा या एस इज इक्वल्स टू 90.67 लिखा, तो ये क्या करेगा, डायनेमिकली यानी कि रन टाइम पर इसका जो कंपाइलर इंटरप्रेटर है वो अपने आप से पता करेगा कि हाँ इसका जो टाइप है, इसके अंदर वैल्यू का टाइप है वो किस टाइप का है.
हमें इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे सिंपल मैथ्स पढ़ते हो, मैथ्स के अंदर आपने ए में 10 लिखा, ये भी उस तरीके से ए में 10 है जो डाल देंगे। अब इसकी वैल्यू फ्यूचर में हम लोग ऐसे कह दें कि भाई 99, तो येस ऑफकोर्स 99 आ सकता है, ठीक है। अब ये हमारे पास में चीज़ है जो हो सकती है। अब अगर मैं ऐसा चाहूँ कि भाई ए के अंदर मैं ऐसा यूज़ करूँ, स्ट्रिंग को डाल दूँ, तो बिल्कुल आप लोग ये भी चीज़ है जो पॉसिबल कर सकते हो किसमें, पाइथन के अंदर। जावा अगर किसी बच्चे ने पढ़ी होगी या C++, तो उनके लिए थोड़ा अटपटा सा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, पहले तो हमने इंटीजर डाल दिया फिर हम एक स्ट्रिंग डाल रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम इसका टाइप स्टैटिकली नहीं बता रहे हैं, डायनेमिकली इसका टाइप है जो इसके रन होने के बाद में इसके कंपाइलर या इंटरप्रेटर के थ्रू पता किया जाएगा कि भाई इसका क्या टाइप है, जिस टाइप की वैल्यू इसके पास में आ रही है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया वेरिएबल क्या है, एक बॉक्स हो गया, एक डब्बा हो गया, जिसके अंदर हम लोग वैल्यूज़ को स्टोर करके रख रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर किसी भी टाइप की वैल्यूज़ है जो हमारे पास में आ सकती है। मैं किसी स्ट्रिंग को ले सकती हूँ, मैं किसी लिस्ट वगैरह को ले सकती हूँ यहाँ पर, है ना। तो बिल्कुल, तो इस तरीके से हमारा जो कोड है जो यहाँ पर काम करेगा, बेसिकली यहाँ पर मेरा जो मेन मोटो था आपको वेरिएबल के बारे में बताना था। अब वेरिएबल के सीरीज़ के अंदर ही हम लोग अगला जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे कि भाई मल्टीपल असाइनमेंट किसको बोलते हैं, राइट। कि एक ही लाइन के अंदर हम लोग किस तरीके से वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर कर पाएँ, ठीक है। तो ये मल्टीपल असाइनमेंट है जो हमारा बिल्कुल नेक्स्ट टू द पॉइंट टॉपिक है। और चलिए फिर हम आपको अगले लेक्चर में ही मिलेंगे। मैं आपको छोटे छोटे लेक्चर्स में इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों के कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं कि हम बहुत ही लंबी क्लास ले रहे हैं और आप लोग बाउंड हो जाओ कि इतनी लंबी क्लास मुझे अभी के अभी पढ़नी है। तो छोटे छोटे टॉपिक्स हम लोग ब्रेक करके चलेंगे ताकि आपको पढ़ने में थोड़ा है जो मज़ा आए, ठीक है। तो चलिए, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ज़रूर डालना, ठीक है। यहाँ पर आपको 5 मिनट की अगर क्लास हो रही है या 10 मिनट की हो रही है, तो टोटली 10 मिनट्स में आपको सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट के बारे में बता रही हूँ, बजाय कि आपका टाइम ख़राब करने के, है ना। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैम वाकई में मेहनत कर रहे हैं और आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो क्यों नहीं आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मिलेंगे आपको अगले लेक्चर के अंदर। बाय बाय।